महानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडियन और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गुरुवार को हॉट स्पॉट बनाए गए क्षेत्र घोष कंपनी, रेती चौक, घंटाघर, साहबगंज सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया और लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, इसलिए जिस क्षेत्र में हॉट स्पॉट बनाए गए हैं उस क्षेत्र के लोगों 14 दिन तक घरों के भीतर ही रहें। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, मास्क लगाना जरूरी है, बिना मास्क पहने जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाइए, मास्क बिना मास्क मत चलिए। यहाँ तो बहुत समय में हम लोग आके चुके थे, सामान बाहर। अच्छा ये दो लीजिए, मास्क पहनिए। आपको नहीं पता है कैसे कोरोना इनका आया है, ऐसे आपको भी आ सकता है। कोरोना का कोई इलाज नहीं है, आपके इलाके में फैली हुई है। 14 दिन आप घर के अंदर रहेंगे तब बचेंगे आप। किसी भी सूरत में घर से बाहर नहीं आना। अगर आप घर के अंदर नहीं रहेंगे आपके खिलाफ आपदा अधिनियम में कार्रवाई की जा सकती है। जुकाम है, कोई भी बीमारी है तो तुरंत 108 एम्बुलेंस में संपर्क करिए, डॉक्टर को दिखा दीजिए। यदि आपके इलाके में बाहर से कोई आया है तो कृपया करके जांच करा लें, हो सकता है आपको भी कोरोना हो। पर किसी भी सूरत में 14 दिन घर से बाहर नहीं निकलना। आज हमारे 3 नए हॉटस्पॉट बने हैं, इसमें थाना गोरखनाथ अंतर्गत धर्मशाला, थाना शाहपुर अंतर्गत जैमिनी और थाना रामगढ़ अंतर्गत अजवनिया। तो 3 नए हॉटस्पॉट बने हैं, एक जटेपुर में अभी और मिला है, तो 4th हॉटस्पॉट वो बनेगा। आज डीएम सर और कप्तान साहब के साथ हमने खूनीपुर, माया बाजार, मियाँ बाजार और कोतवाली के अंतर्गत हरिजन बस्ती 4 हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया, फुट मार्च किया सर के साथ और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महिला शरणालय पे भी गए और 3 जो नए हॉटस्पॉट बने हैं वहाँ पे भी बैरिकेडिंग करा दी गई है, सैनिटाइजेशन करा दिया गया है और जो पॉजिटिव व्यक्ति हैं उसके संपर्क में आए हुए सभी लोगों का हम सैंपल करा रहे हैं और कई लोगों का सैंपल हो चुका है